हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं इस तरीके से और आपको हाथ ऐसे पकड़ के पीछे से इस तरीके से घिसता है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक में अगर आपको हाथ ऐसे रोड पर पकड़ लेते हैं इस तरीके से और आपको घिसता है तो आपके क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में एनिमी आपका हाथ घिंच रहा है ठीक है उसी डायरेक्शन में आने स्पीड से पीछे इस तरीके से घिसे उसको पीछे ना और अपना एल्बो के साथ एनिमी के फेस पर अटैक करना है इस तरीके से ऐसे ठीक है। और पीछे देखिए इसको मैं पीछे खींच रहा हूँ, तुरंत अपना एल्बो लाना है और फिर सीधा इसे एनिमी के सीधा फेस पर अटैक करना है। सेकंड टेक्निक में अगर आप कोई ऐसे हाथ पकड़ता है इस तरीके से तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ को एनिमी के हाथ के ऊपर से लाना है इस तरीके से ऊपर से लाना है और फिर नीचे वाले हाथ नीचे से अपने हाथ से इसको पकड़ना है इस तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से अपने रिस्ट को पकड़ना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको ऐसे ऐसे पकड़ना है इस तरीके से और फिर एनिमी का हाथ नीचे से दबाना है इसे इस तरीके से ऐसे नीचे से दबाना है आपका उसका हाथ एनिमी का बैंड होगा और वो छोड़ देगा। फिर से देखिए ऐसे पकड़ा है, सबसे पहले अपना हाथ ऊपर से लाना है एनिमी के इस तरीके से फिर अपना हाथ ऐसे पकड़ना है इस तरीके से ठीक है। इधर से देखिए ऐसे पकड़ना है और फिर एनिमी का हाथ ऐसे नीचे साइड ऐसे बैंड करना है, एनिमी को बहुत तेज दर्द होगा और वो यहीं से आपका हाथ छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम देखिए इस तरीके से अगर आप कोई हाथ पकड़ता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको एनिमी का हाथ पकड़ लेना है जोर से ताकि छूटे ना इस तरीके से ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अंदर की तरफ घूमना है ऐसे घूमना अंदर की तरफ और फिर एनिमी का हाथ अपने सर के ऊपर से लाना है और एनिमी के बिल्कुल जस्ट पीछे आ जाना इस तरीके से और फिर उसका हाथ ऐसे नीचे तरफ दबाना इस तरीके से, एनिमी का हाथ ऐसे बेंड होगा एनिमी ऐसे नीचे तरफ गिर जाएगा ठीक है। फिर वहीं से आपको उसके एनिमी को पंच करना है और भाग जाना है वहाँ। एक बार फिर से देखिए ऐसा कोई हाथ पकड़ा है सबसे पहले एनिमी का हाथ पकड़ना है जोर से ऐसे ऐसे उसके बाद फिर घूमना है अंदर की तरफ ऐसे और एनिमी के पीछे साइड जाना इस तरीके से हाथ को ऊपर से ऐसे फिर नीचे तरफ दबाना है ऐसे और एनिमी को ऐसे नीचे बेंड करना है एनिमी नीचे गिर जाएगा फिर वहीं से आपको पंच करके भाग जाना है।